यीशु के नाम से आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। एक हफ्ते पहले जब भी मैं सुबह नींद से उठ रहा था, तभी मैंने पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में बोला माइका चैप्टर 4 और 5। मैंने सुना माइका चैप्टर 4 और 5, और फिर मैं उठा। मुझे पता था कि ये दोनों चैप्टर से परमेश्वर कलीसिया को, सिर्फ हमारे कलीसिया को नहीं परंतु सभी विश्वासियों को एक प्रोफेटिक टाइमलाइन देना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है और आगे कैसे होने वाला है। हालेलुया। तो आज जो वचन है, मैं दूसरा वचन बोलने वाला था परंतु मैंने अपना वचन चेंज किया प्रार्थना के समय, और परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के समय ये बोलने बोला माइका चैप्टर 4 और 5। तो माइका का 5वां अध्याय आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइका का 4था अध्याय बहुत समय लगेगा वो लेने में। ओके, तो माइका चैप्टर 4 में जाएंगे, 4था अध्याय माइका का, या मिका मिका का 4था अध्याय में हम लोग जाएंगे, और पहला वचन से पढ़े। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पिटकर हल्के फाल और अपने भालों से हसिया बनाएंगे, जब तक जाति एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे। बस बस, अभी आपने सुना सब लोगों ने वचन। अभी यशाया का किताब उसका 2 अध्याय पहले से लेके 4 वचन तक पढ़े। यशाया आइजाया चैप्टर 2 उसका 1 से लेके 4 वचन तक पढ़े। दो का 1 से 4। 1-4 अमोस के पुत्र यशया का वचन, हाँ। जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पिटकर हल्के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हालेलुया। दोनों वचन सुन के क्या लगा आपको? अच्छा लगा? नहीं, वो नहीं पूछ रहा, अच्छा लगा, सेम है, एक ही है। तो यहाँ पर दो भविष्यवक्ता एग्जैक्ट, मतलब कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही वचन बोल रहे हैं दोनों के किताब में। यहाँ पर माइका अपने किताब में वही भविष्यवाणी कर रहा है, यशाया अपने किताब में वही भविष्यवाणी कर रहा है। अभी आप अगर जब भी पढ़ेंगे बाइबल को, तभी आप देखेंगे कि माइका और यशाया दोनों एक ही समय पर भविष्यवाणियाँ कर रहे थे, और वो लोग हेजिकाया के समय में, आहास के समय में, दोनों एक ही समय पे, मतलब माइका किसी कोने में था और ये यशाया किसी कोने में है, परंतु दोनों एक ही आवाज सुन रहे हैं। दोनों क्या हो रहा है? एक ही वचन सुन रहे हैं वहां पर। हालेलुया। और दोनों एक ही वचन का प्रचार करते हैं। हालेलुया। अभी दोनों ने मिलके नहीं बोला ये वचन मेरा वचन है, तू भी इसको प्रचार कर, नहीं, एक व्यक्ति ने दोनों को एक ही वचन दिया। जब भी एक व्यक्ति स्वर्ग से बात कर रहा था, वो दोनों लोगों ने उसके आवाज को सुना। ओके, हालेलुया।
अभी विश्वासियों को वैसा होना चाहिए। हालेलुया। हम किसी को कन्विंस करके यूनिटी नहीं बना सकते। बाइबल जब भी बहुत लोग प्रचार करते हैं, प्रेरितों का किताब उसका दूसरा अध्याय का, नहीं 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 ब्रदर यूनिटी में होना चाहिए, यूनिटी में हम नहीं कर सकते। आपको उस एक आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी मैं जो बोलूंगा उनको भी वही वचन आएगा, वो जो वचन आएगा उनको, हर एक के पास, किसी के पास वो भविष्यवाणी होगा, किसी के पास एक अन्य भाषा होगा, किसी के पास एक दर्शन होगा, और सभी चीजें जब हम मिलाते हैं उन सभी चीजों से एक हल निकलता है, जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ तो रहस्य की बात हमें बता रहा है। वो कलीसिया है। जब भी कलीसिया के लोगों में भूख और प्यास है परमेश्वर की आवाज को सुनने का। हालेलुया। फ्लैश के अंदर कोई भी यूनिटी नहीं होता, हमको आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर मतलब यशाया जो है माइका को जानता भी नहीं, ना ही माइका यशाया को जानता है, परंतु दोनों एक ही वचन बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों पवित्र आत्मा को सुन के बोल रहे हैं, तो इसलिए उनका वचन मैच कर रहा है। हालेलुया। तो अभी उस समय के दो भविष्यवक्ता है, जब भी भविष्यवाणी कर रहे हैं उसका मतलब वो वचन का बहुत सिग्निफिकेंस है, उस ये वचन जो है हमने जो पढ़ा उसका बहुत महत्व है। ये वचन जो है माइका चैप्टर 4, इसका पूरा चैप्टर में हम लोग जाएंगे। अभी पहले तो हम लोग ने पहले 3 वचनों को पढ़ा, ओके, परंतु जब भी पूरे चैप्टर में जाएंगे, ये एंड टाइम मिनिस्ट्री का, ये अंतिम समय के सेवकाई का या अंतिम समय के कलीसिया का, ये एक प्रोफेटिक टाइमलाइन है कि अंतिम समय की कलीसिया कैसी है, वो क्या है और वो क्या करने वाली है, खास करके अंतिम समय का एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगी, उसका क्या फंक्शन होगा पृथ्वी के ऊपर, उस बारे में माइका चैप्टर 4 बोलता है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? ये जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है, ये साधारण सेवकाई नहीं है, ये अंतिम समय की सेवकाई है, ये आपको समझना है। ये एंड टाइम मिनिस्ट्री है, ओके, ये एंड टाइम मिनिस्ट्री है, और उस हिसाब से ये सेवकाई फंक्शन करता है, उस हिसाब से परमेश्वर हमें चलाता है, उस हिसाब से परमेश्वर मुझसे बातें करता है, एंड टाइम मिनिस्ट्री। अभी माइका चैप्टर 4 मैंने क्या कहा, वो अंतिम समय के सेवकाई का एडमिनिस्ट्रेशन, जो फंक्शन है, जो काम है, जिस तरीके से वो काम करेगा अंतिम समय की सेवकाई, वो दर्शाता है। ओके, हालेलुया। मैंने अंतिम समय की सेवकाई और अंतिम समय के कलीसिया के ऊपर पहले भी मैंने प्रचार किया है। तो अंतिम समय की सेवकाई, जो बाइबल में जो अंतिम समय की सेवकाई जो सेवकाई या दर्शाते हैं, वो पहला तो है नोवा का सेवकाई, मैंने बताया था आपको, जो नोवा का सेवकाई था वो अंतिम समय के कलीसिया के बनाने को दर्शाता है, नोवा ने जो आर्क को बनाया। ओके, और दूसरा पत्रस, उसमें नहीं जाइए, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 4-5 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पत्रस रेवलेशन देता है कि नोवा सिर्फ आर्क नहीं बना रहा था, नाव नहीं बना रहा था, नोवा प्रचार भी कर रहा था, और वो किसका प्रचार कर रहा था, वो धार्मिकता का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। तो अंतिम समय, नोवा का सेवकाई अंतिम समय की सेवकाई को दर्शाता है, और नोवा का सेवकाई अंतिम समय के कौन से एस्पेक्ट को दर्शाता है, कि प्रचार कौन से टाइप का होगा और चर्च कैसे बांधा जाएगा, वो अंतिम सेवकाई के वो एस्पेक्ट को नोवा का सेवकाई दर्शाता है। कितने लोग समझ रहे अब तक? ओके, हालेलुया। तो नोवा का प्रचार धार्मिकता का प्रचार था, ओके, और उसने जो नाव बांधा उसके अंदर जो लोग आए, पूरा दुनिया नहीं आया, 100 लोगों का कांग्रीगेशन नहीं आया, सिर्फ उसका परिवार आया और उसका परिवार बच गया। तो वो अंतिम समय के सेवकाई में जो कोई भी है, वो आने वाले जजमेंट से, जो परमेश्वर का न्याय आएगा, जो पेस्टिलेंस आएगा, जो बाढ़ आएगा, जो भूकंप आएगा, जो बीमारियां आएगी, वो सभी चीजों से अंतिम समय के सेवकाई के मिनिस्ट्री और कलीसिया के कवरिंग में जो लोग हैं वो बचे रहेंगे। तो नोवा का सेवकाई वो दर्शाता है। और दूसरे कुछ सेवकाई है जो अंतिम समय के सेवकाई को दर्शाता है। दूसरा सेवकाई है इलाइजा का सेवकाई, जो वापस अंतिम समय के सेवकाई को दर्शाता है। और तीसरा सेवकाई है योहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट का सेवकाई, जो वापस अंतिम समय के सेवकाई को दर्शाता है। तो इलाइजा और जॉन द बैप्टिस्ट का जो सेवकाई है, वो अंतिम समय के सेवकाई के पैटर्न को दर्शाता है। क्या पैटर्न फॉलो करना है, रिवाइवल का क्या पैटर्न है? ओके, आपको पता है बाइबल कहता है कि वो उस दिन से पहले इलाइजा वापस आएगा, मतलब वो सेवकाई वापस आएगी, वो अभिषेक वापस आएगा। तो बाइबल में ये सेवकाई या
नोट डाउन कीजिए कि ये सेवकाई अंतिम समय के सेवकाइयों को दर्शाता है। और इलाइजा ने क्या किया, सेवकाई इलाइजा ने जो टूटा हुआ प्रार्थना का वेदी था उसको वापस से बनाया, तो वो पैटर्न उसने दिखाया अंतिम समय के सेवकाई में हमको ये करना है। जब योहन्ना को हम देखते हैं, यशाया ने भविष्यवाणी की योहन्ना के सेवकाई के बारे में कि 40वां अध्याय उसका 3रा वचन में कि वो आवाज जो जंगल में चिल्ला रहा है कि परमेश्वर के लिए रास्ता बनाओ, अब अंतिम समय की सेवकाई जो जंगल में है, जो विल्डरनेस में है। जॉन का सेवकाई उसके पैटर्न को दर्शाता है कि लोगों को अगर अंतिम सेवकाई करना है उनको विल्डरनेस में, या आप लोग अभी आएंगे पहाड़ पे रहना होता है। ओके, आप लोग समझ रहे हैं। अभी हम लोग माइका पे आएंगे, जो माइका चैप्टर 4 और आइजाया का भी भविष्यवाणी जो अंतिम सेवकाई के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को दर्शाता है कि एंड टाइम चर्च अंतिम समय की कलीसिया क्या करेगी, कैसे फंक्शन करेगी। ओके, अभी तक सब लोग को समझ रहा है। ओके, तो हम लोग अभी मैं पढ़ता हूँ जो हमने पढ़ा, माइका चैप्टर 4 उसका 4 अध्याय 1 वचन हमने पढ़ा। तो ध्यान से सुने, अभी अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। ध्यान से सुने, अभी वचन को एकदम ध्यान पढ़ना है। जब भी मैंने शुरुआत किया था सेवकाई और मैं कुछ सेवकाइयों के साथ था और मुझे लगा ऐसा जोर जोर से प्रचार करना और फ्लो आना और उपस्थिति फील होना तो प्रचार अच्छा होता है, पर जब भी मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा मैंने समझा कि शांत से वचन को समझना और शांत से वचन को पढ़ाना, लोगों का आत्मा तभी दृढ़ होता है। जो लोग एकदम म्यूजिक वगैरह ढोल बाजा पीछे रहता है और जोर जोर से प्रचार करते जाते हैं उसमें टेम्पररी एक्साइटमेंट आपको होगा, अरे बहुत अच्छा लगा, पर उसके बाद लोग वापस से मूर्ति पूजा में जाते हैं, उसके बाद लोग वापस से बंधन में जाते हैं। परंतु वचन को अगर समझना है तो एक्साइटमेंट नहीं रहना चाहिए, वचन को अगर समझना है तो शांत रहना पड़ता है। इसके लिए मैं बहुत टाइम तक शांत रहता हूँ और बाद में जब भी पवित्र आत्मा आता है तभी मैं उसके फ्लो के साथ जाता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है अंत के दिनों में, ध्यान से सुने, मैं अंत के दिनों में क्या होगा, तो ये अंत के दिनों का सेवकाई के बारे में भविष्यवाणी है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का कलीसिया, ओके, परमेश्वर का कलीसिया को क्या होगा, परमेश्वर का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। ओके, अभी इंग्लिश में लिखा है, नाउ इट शैल कम टू पास इन द लैटर डेज दैट द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड्स हाउस शैल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो अंतिम समय की कलीसिया जो है वो पर्वत के चोटी पे होगी, वो पर्वत के चोटी पे होगी। अंतिम समय की कलीसिया क्या है, वो पर्वत के चोटी पे स्थापित की जाएगी। ओके, हम लोग आएंगे उसके अंदर उसका मतलब क्या है। और उसके बाद लिखा है और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। इंग्लिश में लिखा है कि पानी जैसे बहता है, पानी उस पर्वत के ऊपर बहेगा। अभी पानी कहां पर बहता है, पानी जो है जो नीचे ऐसा स्टीप स्लोप जाता है उस पे पानी बहता है। नदी कभी बहती है, नदी तो पर्वत के ऊपर से नीचे बहती है, नदी क्या उल्टी बह सकती है पर्वत के ऊपर। हम लोग जब भी साइकिल चलाते हैं, जब भी नीचे हम लोग जाते हैं पहाड़ के, पेडल मारना नहीं पड़ता है, ऐसे ही जाते हैं स्पीड में, पर जब भी ऊपर चढ़ना पड़ता है तभी बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इस पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट हम लोग जा रहे हैं। परंतु बाइबल कहता है ये अंतिम समय की कलीसिया जो पर्वत के ऊपर होगी, लोग जो वहां पर आएंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी का उसके ऑपोजिट में बहकर लोग वहां पर जाएंगे। ध्यान से सुने मेरी बात, दुनिया में जो फोर्स है जो लोगों को खींच रहा है उसके ऑपोजिट फ्लो में बहकर वो लोग पर्वत के ऊपर जाएंगे, फ्लो करेंगे पर्वत पे। तो उसका मतलब है इस कलीसिया में ऐसे लोग आएंगे जो दुनिया के पैटर्न के विरुद्ध बहते हैं, और वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा। ओके, दुनिया के फ्लो को, मेरे को लगता है पास्टर ने भी पिछले बार बोला था, परंतु उस तभी इतना रेवलेशन, पर पिछले 2 हफ्ते पहले ये बातें मेरे को परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। तो उसके ऑपोजिट जो फ्लो
बहने वाले लोग हैं, दुनिया का ग्रेविट, हम लोग इधर क्यों खड़े, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल है, नहीं तो हम लोग हवा में उड़ते थे अगर कोई फोर्स नहीं रहता यहाँ पर, तो हम इसके लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, इसके लिए सब टिका है जमीन पे। परंतु बाइबल कहता है जो लोग वो पर्वत पे जाएंगे वो बह के जाएंगे ऊपर, मतलब ये फोर्स जो है पृथ्वी का फोर्स उनके ऊपर कोई उनके ऊपर हावी नहीं है, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, इसके लिए वो लोग ऑपोजिट बहकर ऊपर जाएंगे। ओके, तो दूसरी बात ये है कि ये जो कलीसिया है उसको पर्वत के चोटी के ऊपर रहना है, तो ही वो अंतिम समय की कलीसिया है। ओके, एक वचन पढ़े, एजिकल का किताब 43, एजिकल का किताब 43 उसका 12। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। भवन का नियम क्या है? पहाड़ के चोटी का जो समिट है माउंटेन का, जो टॉप है माउंटेन का, उसका पूरा भाग जो है वो क्या है? पवित्र है। सब लोग सुन रहे हैं? पहाड़ के चोटी का, पहाड़ भवन का क्या नियम है? भवन का नियम यह है कि पहाड़ के चोटी का जो भाग है वो पवित्र है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? अभी जब ही मूसा पहाड़ होरेब के चोटी पर, वो उसने जलती हुई आग देखी, जो झाड़ी नहीं जल रही थी परंतु वो आग जल रहा था, और जब ही वो जलती हुई वो झाड़ी के पास गया तो एक आवाज आई वहां से कि अपने चप्पल को तू निकाल, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र है। हालेलुया। ध्यान से सुने, तो अंतिम समय की कलीसिया या अंतिम समय के सेवकाई के लोग जो है वो पहाड़ के चोटी पे, मतलब अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग हैं। और मैंने आपको सिखाया है मध्यस्थी के प्रचार में, सर्मन में, कि अति पवित्र स्थान में कौन सी सेवकाई चलती है। अति पवित्र स्थान में हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं होता उधर, वहां पर मिराकल मिनिस्ट्री नहीं होता। ओके, वहां पर कोई डिलीवरेंस मिनिस्ट्री नहीं होता अति पवित्र स्थान में। अति पवित्र स्थान में जो सेवकाई होती है वो मध्यस्थी की सेवकाई होती है, इंटरसेशन की सेवकाई होती है। तो अंतिम समय की कलीसिया जो है वो एक प्रेयर हाउस है। अंतिम समय की कलीसिया जो है वो ऐसे लोग, हर प्रेयर करने वाले लोग नहीं, जो अति पवित्र स्थान में घुसकर प्रार्थना करना जानते हैं, जो परमेश्वर के करीब, मतलब वो पर्दे को लांग कर अंदर जाना जानते हैं और वहां से प्रार्थना करना चाहते जानते हैं, वो लोग इस कलीसिया के भाग हो सकते हैं। बाकी कोई इस कलीसिया का या बाकी कोई इस सेवकाई का भाग नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। चाहे वो मेरे को कितना भी बोले, ब्रदर राहुल आप अच्छे हैं, आपका कितना भी मुझे मस्का लगाए, वो नहीं भाग हो सकता अगर वो खुद अति पवित्र स्थान में रहकर प्रार्थना नहीं करता है, तो अगर वो खुद वो सीक्रेट प्लेस को नहीं समझता है। तो आप लोग समझ रहे हैं अभी धीरे धीरे, पहला वचन ही मैं समझा रहा हूं, जो अंतिम समय में जो परमेश्वर का भवन होगा वो पर्वत के चोटी पे होगा, वो अंतिम समय की कलीसिया है। और आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पर्वत के चोटी पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वहां पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। उस समय में सिर्फ एक याजक वहां पे मिलता था और कोई नहीं मिलता था। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। तो द एंड टाइम हाउस ऑफ गॉड विल बी अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल हु रिसाइड ऑन द माउंटेन टॉप। ओके, जो अंतिम समय की कलीसिया है वो ऐसा कॉन्ग्रीगेशन होता है जो सभी पर्वत के चोटी पे रहने वाले लोग हैं, सभी लोग वैसा और वैसे सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे इस समय के लिए चुना है। हालेलुया, कि पर्वत के चोटी के ऊपर रहने वाले लोग अंतिम समय के कलीसिया के लोग हैं। जो पर्वत के चोटी पे नहीं पहुंचता है वो अंतिम समय के कलीसिया में नहीं है। ओके, हालेलुया। अभी जो ध्यान से सुने, जो व्यक्ति भवन के बाहर रह के प्रार्थना करता है, ओके, जो व्यक्ति कहां पर, भवन का बाहर है, आपको पता है भवन कैसा है, जो भवन मूसा ने बनाया उस भवन को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही वो भवन इब्रानियों की किताब में लिखा है कि मूसा ने जो टैबरनेकल बनाया, भवन बनाया, वो एक जेरोक्स कॉपी था जो परमेश्वर का भवन स्वर्ग में है उसका।
तो मूसा, अगर परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस आपको पढ़ना है तो मूसा के टैबरनाकल को आप पढ़ सकते हैं। तो मूसा का टैबरनाकल बहुत सिंपल है, एक आउटर कोर्ट से भवन के बाहर का इलाका है, उसके बाद जब आप अंदर जाते हो वहां पे एक पवित्र स्थान है, उसके बाद पर्दा है और पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान है। ओके, हालेलुया। तो ध्यान से सुने मेरी बात, जो लोग भवन के बाहर खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग भवन के बाहर खड़े रहे प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं, नाइट प्रेयर करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं, पर उनका स्थान जो है भवन के बाहर है। कुछ लोग पवित्र स्थान में आके प्रार्थना करते हैं, होली प्लेस, जहां पर याजक मेज पर ब्रेड रखते हैं, वहां पे लैंप स्टैंड है वगैरह वगैरह, वहां पे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। और कुछ बहुत कम लोग जो है अति पवित्र स्थान को एक्सेस करके वहां पर से प्रार्थना करते हैं। तो ये तीनों लोगों में डिफरेंस है। ओके, तीनों लोगों के प्रार्थनाओं में डिफरेंस है। प्रार्थनाओं में कैसा डिफरेंस है? तुम्हारा प्रार्थना का सामर्थ, तुम्हारा प्रार्थना कितना काम करेगा, तुम्हारा प्रार्थना कितना दूर तक जाएगा, वो ये निर्भर करता है कि तुम कौन से स्थान में रहकर प्रार्थना कर रहे हो, उसके ऊपर निर्भर होता है। कि जो लोग यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, जो यहां पे, और जो लोग यहां पर, हालेलुया, जो लोग मंडप के बाहर से प्रार्थना कर रहे हैं उन लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हालेलुया, उन लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग पवित्र स्थान से प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, उन लोग अपना टाइम का उपयोग कर रहे हैं, परंतु जो उनका प्रार्थना करना चाहिए वो उनका प्रार्थना कर नहीं रहा है। परंतु जो लोग अति पवित्र स्थान में रह के प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं जो है, ध्यान से सुने, वो प्रार्थनाएं जो है वो पृथ्वी के ऊपर भूकंप लेके आ सकता है, एटमॉस्फेयर में शिफ्ट लेके आ सकता है। मैं एक्साइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं वचन में आऊंगा, आपको समझाऊंगा, वचन में वो लिखा है। अति पवित्र स्थान से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग शिफ्ट लेके आ सकते हैं। एक वचन में हम लोग जाएंगे, इब्रानियों का किताब उसका 9वां अध्याय, जल्दी से, हिब्रूज चैप्टर 9। इब्रानियों का किताब उसका 9वां अध्याय, दूसरा वचन से पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं यहां पर। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में डीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाया जाता था। तो पहला जो प्लेस है, होली प्लेस, पवित्र स्थान, क्या है वहां पर? डीवट। डीवट मतलब वो जो 7 लैंप स्टैंड है, 7 डीवट है वहां पर। ओके, वो 7 डीवट जो है वो परमेश्वर का रोशनी नहीं है, इंसान ने आग लाकर वो जलाया है, हालेलुया। और वहां पर जो रोटी रखी है, वहां पर जो ब्रेड रखा है, वो याजकों ने बनाया है अपने किचन में और वहां पर लाके रखा है। तो कुछ 95% मसीह लोग जो है अब तक सिर्फ पवित्र स्थान तक जा पाते हैं। और जब भी आप पवित्र स्थान में आप जाते हैं, वहां पर भी आपको रेवलेशन मिलेगा, परंतु वो रेवलेशन जो है, वो ब्रेड जो है, वो इंसान का बनाया हुआ रेवलेशन होगा, हालेलुया। बहुत सारे बाइबल टीचर्स जो है, वो जो सालों से रेवलेशन प्रीच कर रहे हैं, वो वर्सेस को रिलेट करके और थियोलॉजी को कनेक्ट करके, हिस्ट्री को पढ़ के वो रेवलेशन उत्पन्न होता है। कुछ लोग दूसरे को सुन के रेवलेशन लेके आते हैं, हालेलुया। वो है वो होली प्लेस का रेवलेशन, वहां पर रेवलेशन है, वहां पर रोटी है, परंतु वो रोटी इंसान ने बनाया है। ओके, वहां पर रोशनी है, परंतु वो रोशनी परमेश्वर की असली शेकाइना ग्लोरी नहीं है, जो परमेश्वर के थ्रोन से निकलता है। ओके, तो वहां पर वो रोशनी है, परंतु इंसान ने उस दीवटों को जलाया है। वहां पर परमेश्वर के पास एक रोशनी है, जो परमेश्वर जहां पर बैठता है, बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर एक ऐसे रोशनी के अंदर बैठता है जिसके अंदर इंसान नहीं जा सकता है, अनअप्रोचेबल लाइट, ऐसा रोशनी जिसके अंदर हम जा नहीं सकते। तो वो परमेश्वर का शकायना ग्लोरी नहीं है, परंतु एक प्रकार का रेवलेशन है होली प्लेस में, हालेलुया। मेजरली कलीसियाओं में वो रोटी और वो प्रकाशन आता है, परंतु लोग पर्वत के चोटी पर नहीं रहते हैं। कितने लोग समझ रहे अब तक? ओके, उसके बाद चौथा वचन में जाएंगे, उसमें, ओके, तीसरा वचन, सॉरी, दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाया जाता था, कहलाता था। ओके, अभी परम पवित्र स्थान, ये पर्वत की चोटी है,
ओके कहलाता है, उसमें सोने की धूपदानी, सभी लोग बोले सोने की धूपदानी, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारोन की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। हालेलुया। अभी जो लोग अति पवित्र स्थान में हैं, उन लोगों को क्या मिलता है? उन लोगों को पहले तो सोने की धूपदानी है वहां पर। पहला चीज क्या है? सोने की धूपदानी कहां पर है? अति पवित्र स्थान में है, पर्दे के पीछे है। सोने की धूपदानी क्या है? प्रकाशित वाक्य 8:3-5 प्रकाशित वाक्य 8:3, सभी ध्यान से सुने जब भी पढ़ रहे वचन, 3-5। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पर क्या हुआ? सोने की धूपदानी वेदी के सामने, वो अति पवित्र स्थान के सामने था वो स्वर्गदूत, और सोने के धूपदानी में उसने क्या मिक्स किया? लोगों की प्रार्थनाओं को। किन लोगों की प्रार्थनाओं को? जो उस स्थान से प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं उस धूपदानी के अंदर जाते हैं, उस धूपदानी के अंदर जाता है। उसके बाद स्वर्गदूत ने क्या किया? उस धूपदानी को उसने लिया एटमॉस्फियर में, उसने जब रिलीज किया, बादल गरजने लगे, बिजलियां आने लगी, भूकंप आ गया। किसके वजह से? उस प्रार्थना के वजह से। तो जो लोग पर्वत के चोटी के ऊपर एक्सेस करके वहां से अगर आप एक लाइन भी बोले, वो आपका लाइन शैतान के ऐसा सब आप देखोगे, डीमंस लोग ऐसा क्या हो रहा है करके। क्यों? क्योंकि कोई पर्वत के चोटी पे पहुंच के कुछ बोल रहा है। हालेलुया। पर्वत के चोटी के ऊपर कोई तो पहुंच के कुछ प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना जब ही सोने के धूपदानी में मिक्स होके स्वर्गदूत उसे रिलीज कर रहे हैं, सभी शैतानी शक्तियां ऐसा नीचे गिरते हुए देखेंगे आपको। हालेलुया। हालेलुया। ये समय नहीं है कि एक एक को पकड़ के शैतान को निकालना, हम एक साथ ही निकालेंगे सबको, एक साथ ही भेजना है हमको। एक एक को निकाल के हम लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। जो लोग पाल के बैठे हैं उनका कुछ भी, हम लोग एक साथ निकालेंगे उनको। तो आप समझ रहे हैं, ये अंतिम समय की कलीसिया बहुत सामर्थी है। वो लोगों के ऊपर नहीं, देखिए मैं आपको पहले बोलता, एक डैनियल काफी था बेबीलोन को हिलाने के लिए, खत्म करने के लिए, एक डैनियल। जब गिडियन के पास, मैं गिडियन को लूंगा दो सर्मन्स के बाद, उसके रिवेलेशन में जाऊंगा, परंतु जब गिडियन को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू एक ही व्यक्ति में, तुझे एक के द्वारा ही मैं मिडियनों को खत्म कर दूंगा, एक व्यक्ति। हालेलुया। तो ये जो अंतिम समय की कलीसिया है, इंडिविजुअल को, हालेलुया, कलीसिया में क्या लोग आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये क्या, वो सब भूल के हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है पर्वत के चोटी को एक्सेस करने का, और वो अंतिम समय की कलीसिया बनेगी। हालेलुया। ये जो सेवकाई है, हम वही कलीसिया को बना रहे हैं, हम वही मिनिस्ट्री, वही कॉलिंग है हमारा। हालेलुया, आमेन। तो कितने लोग समझ रहे हैं? तो उनके प्रार्थनाओं में बहुत डिफरेंस है। हालेलुया। आप पूरा आपने 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, परंतु वो व्यक्ति एक दिन बिना उपवास चिकन खा के प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना से शैतान हिलने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो उपवास कर रहा है, वो व्यक्ति प्रार्थना कर, उपवास, ध्यान से सुने, उपवास आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं हम पतला, ये हो गया वो हो गया, वो कुछ मायने नहीं रखता। मायने नहीं ये रखता है कि क्या आप परमेश्वर के हृदय को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। आप सब कुछ बाहर छोड़ के परमेश्वर, देखिए अगर आपको उस पर्वत के चोटी को एक्सेस करना है, आपको सब चीजें, सब बोझ, जितना भी आपका चिंता है, जितना भी आपका रिलेशंस है, सब चीजें छोड़ के आपको उधर जाना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन।
मैंने आपको बताया कि परमेश्वर से मुलाकात कैसा है। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आपको वो किस स्थान पे मुलाकात करता है वो आपको जानना पड़ेगा। और रेगुलरली आपको मुलाकात मुझसे वो कभी मुलाकात करता है, मुझसे वो तभी मुलाकात करता है जब भी मैं अपने आप को रूम्स में बंद करता हूँ और उपवास में, तभी नहीं तो मेरे से वो मुलाकात करेगा ही नहीं। मेरे पास कोई एनकाउंटर नहीं रहेगा, मेरे पास कोई रेवलेशन नहीं रहेगा। और अभी आज के समय में अगर छोटे मोटे मेरे को पता है, अरे ये तो मुझे पवित्र स्थान का रोटी मिल रहा है, मुझे वो रोटी चाहिए, तो मुझे वो रोटी रेवलेशन जब भी मिलता है मुझे कुछ संतुष्टि नहीं होता है, मुझे वो रेवलेशन चाहिए, इसके लिए बार बार मैं उधर भागता हूँ। हालेलुया। तो वो लोग जो है वो पर्वत के चोटी पे होंगे और वो पर्वत के चोटी पे मध्यस्थी की सेवकाई करेंगे। हालेलुया। वो एक अपोस्टोलिक चर्च होगा, वो अपोस्टोलिक चर्च होगा जो प्रोफेटिक और इंटरसेशंस के फाउंडेशंस के थ्रू वो ऑपरेट करेगा, और उसी तरह का सेवकाई ये है। ओके, हालेलुया। ओके, हम लोग आगे जाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं अभी क्या डिफरेंस है? ओके ओके, पहला तो धूपदानी है वहां पर, ये भी मैं कवर कर लेता हूँ, आपको जानना जरूरी है। धूपदानी और चारों ओर सोने का मेढ़ा हुआ वाचा है, वाचा का संदूक, और उसमें दूसरी चीज क्या है? मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। अभी मन्ना क्या है? मन्ना जो है वो इंसान का बनाया हुआ रोटी नहीं, वो परमेश्वर का हाथ से बनाया हुआ रोटी है जो स्वर्ग से आता है। तो अगर आपको वो रेवलेशन एक्सेस करना है तो आपको वो जगह पे जाना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो आप सरफेस, मुझे पता है आजकल जब भी प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत कम लोग हैं जो उधर से वचन लेके आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ये वचन नहीं, ये मेरे लिए, मैं नहीं सुन पाता हूँ। मुझे वहां से अगर कोई वचन लेके आता है मैं उसी व्यक्ति को सुनता हूँ। हालेलुया। वहां पर मन्ना है, वहां पर परमेश्वर के हाथ की बनाया हुआ खाना है, वहां पर पर्वत की चोटी पर, मतलब वो परम पवित्र स्थान पर। और तीसरा चीज जो आपको एक्सेस होगा वो है हारोन की छड़ी, जिसमें फूल फल आ गया। हारोन की छड़ी क्या है? याद है मैंने आपको सिखाया था क्या है वो हारोन की छड़ी या मूसा की छड़ी? वो किसके लिए उपयोग होती है? वो विचक्राफ्ट के खिलाफ, सॉसरी के खिलाफ। मूसा की जो छड़ी है, मैंने आपको सिखाया था जब इजिप्ट के ऊपर मैंने वो सरमन लिया था, कि मूसा का जो छड़ी था, जब तक वो मरीन स्पिरिट से लड़ रहा था, जब तक वो सांपों से लड़ रहा था, जब तक वो जेन्स और जैमरेस से लड़ रहा था जो जादूगर थे, तब तक वो छड़ी उपयोग कर रहा था। जब ही उनका खत्म हुआ तभी वो छड़ी नहीं, अपना हाथ उपयोग करने बोला परमेश्वर ने, क्योंकि मूसा की छड़ी इस पृथ्वी में जो सांप का, जो शैतान का तंत्र मंत्र है, जो शैतान का सॉसरी है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए अथॉरिटी है। तो शैतान के ऊपर आपको तभी, ये शैतानी राज्य के ऊपर आपको तभी अधिकार मिल सकता है जब भी आप उस प्लेस को एक्सेस करोगे। ओके, हालेलुया। तीसरा चीज है क्या? अधिकार शैतानी राज्य के ऊपर। उन्होंने कहा उन बच्चों को जो शैतान निकालने चले थे, चलो चलो हम भी शैतान निकालेंगे, और वो शैतान उनके ऊपर बरस पड़े, उनके कपड़ों को फाड़ दिया, नंगा कर दिया। और शैतानों ने उनको कहा, तू पौलुस का नाम यूज कर रहा है, तू यीशु का नाम यूज कर रहा है, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को भी हम जानते हैं, तुम लोग कौन हो? ऐसा ही शैतान को बाहर मत निकालने निकले, पहले तो परमेश्वर के अति परम पवित्र स्थान में बैठे, तभी शैतान लोग आप लोग को जानेंगे। पॉलुस के सेवकाई को जो अभी आप पढ़ते हैं, उसका सेवकाई एक आजकल की सेवकाई जैसा फेमस नहीं था, वो हाउस चर्चेस प्लांट करता था, छोटी छोटी कलीसिया वो प्लांट करता था। उसके सेवकाई को आप पढ़े, वो उस समय में एक फेमस, दूसरे लोग रहेंगे उसके समय में फेमस, वो नहीं था फेमस। वो फेमस कहां पर था? शैतानी शक्तियां, प्रिंसिपैलिटीज उसको जानते थे, सभी लोग उसको जानते थे पॉलुस को, क्योंकि उसकी ही प्रार्थनाएं उनको हिलाते थे, पॉलुस की प्रार्थना। हालेलुया। आपको पता है वो अपोस्टल ऑफ रेवलेशन था, उसने ही है जो एफिसियों के 6वें अध्याय में बताया है कि ये लड़ाई है, ये कुश्ती है जो मांस और लहू से नहीं है परंतु प्रिंसिपैलिटी से। उसके पास स्पिरिचुअल वॉरफेयर का बहुत रेवलेशन था, शैतानी शक्तियां सभी लोग उसको जानते थे। हालेलुया, आमेन। एक व्यक्ति है, एक मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पल था जो यूएसए में था, और उसके कुछ परिवार वाले मेरे को जानते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहानी बताई कि उनके जो पिताजी है वो बहुत ही सामर्थी मिनिस्टर थे। ओके?
और जब भी वो लोग मेरे को देखते हैं उनका पिता, क्योंकि वो उनको अपने पिताजी का याद आता है, उनके पिताजी जहाँ पर भी खड़े हो गए शैतान सब बाहर निकल, इतना सामर्थ्य था, इतने सामर्थ्य व्यक्ति थे। तो एक बार उनके पिताजी जो थे अपने असिस्टेंट के साथ और एक आदमी थे उनके साथ एक शैतानी शक्ति को निकाल रहे थे। जब भी उस शैतानी शक्ति को वो निकाल रहे थे, वो डीमन को वो निकाल रहे थे, वो डीमन बोल पड़ा इसको देख के, तीसरे आदमी को देख के, तीनों मिलके निकाल रहे थे, ये भी आ गया, जुड़ गया, प्रार्थना, गेट आउट कर रहा है, हालेलुया। तो वो डीमन ने उनको कहा, उसके पिताजी को कहा, तुझे मैं जानता हूं, और असिस्टेंट को, तुझे भी मैं जानता हूं, पर इसको कहा उसने, तू कौन है, ऐसा बोल के वो निकला। अगले दिन वो आदमी मर गया, हालेलुया, क्योंकि वो आदमी लड़कियों के साथ सो के मिनिस्ट्री करता था, हालेलुया। तो हालेलुया, आमेन। तो बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, जो लोग इधर भी है उधर भी है, शैतानी शक्तियां उनको आराम से खत्म कर देगी, हालेलुया। भले ही बड़ी बड़ी कलीसिया है, परंतु ये शैतानी शक्तियां अभी पूरी तरीके से जाग उठी है, ये अंतिम समय है, हालेलुया। और जो लोग पर्वत के चोटी पर है उनकी बात इन लोग सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे हम, हालेलुया। एनॉइंटिंग का एक खासियत है, जब भी आप परमेश्वर के साथ उसके चोटी के ऊपर रहते हो, उसको जानते हो अच्छी तरीके से, आपके ऊपर एक तेल रहता है, आपके ऊपर एक एनॉइंटिंग रहता है। जब तक वो एनॉइंटिंग रहता है, कोई भी शैतान आपके सामने मुंह नहीं खोलेगा। और अगर आपके परिवार में, आपके एरिया में अगर व्यक्ति भी है जो शैतानी शक्तियों में ऑपरेट करते हैं, दूसरे लोग को वो गाली देंगे, आपके सामने वो लोग आएंगे, वो चुप बैठेंगे। एनॉइंटिंग, हालेलुया। आपके सामने वो मुंह नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक एनॉइंटिंग है। कितने लोग समझ रहे? ओके, तो हारोन की लाठी जो है विचक्राफ्ट सॉसरी, वो सांप का तंत्र मंत्र के खिलाफ अधिकार वहां पर मिलेगा आपको। ओके, हालेलुया। और उसके बाद क्या है? ओके, जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। वाचा की पट्टियां मतलब, हालेलुया, वाचा की पट्टियां मतलब इन नेशंस को एडमिनिस्टर करने के लॉज, हालेलुया। तो सभी लोग बोले, अंतिम समय की कलीसिया एक ग्लोबल कलीसिया है, उसका सेवकाई राज्यों के तरफ है, राज्यों के लिए है। तो राज्यों, अगर राज्यों को कंट्रोल करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रहना चाहिए, तो ये वाचा की पट्टियां उस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को दर्शाता है। ओके, अगर एक राज्य के ऊपर परमेश्वर का राज आपको लाना है, तो आपको उसकी पट्टियां वहां पर ही मिलेगी। मूसा को जब भी, परमेश्वर को जब भी इज़राइल को स्थापित करना था, परमेश्वर को अपने नियम देने थे, मूसा को उसने कहां बुलाया? सिनाई के चोटी पे। सिनाई और होरेब टेक्निकली वही पर्वत है जहां पर मूसा ने परमेश्वर से पहले मुलाकात किया था। तो पर्वत के जो वहां पर अति, एक्चुअली पर्वत की चोटी जो है वो अति पवित्र स्थान है, वो एक फिजिकल माउंटेन नहीं है जहां पर, वो एक अति पवित्र स्थान है, वो एक जगह है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक स्टेट ऑफ बॉडी है, जिसको जब भी हम लोग उस स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और उस स्थान को एक्सेस करते हैं, वो अति पवित्र स्थान है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हालेलुया। जब भी आप अपने मन को, अपने शरीर को और उस जगह को एक साथ लाते हैं, वो एक अति पवित्र स्थान को एक्सेस कर सकते हैं। मन कौन से स्थिति में होना चाहिए? मन पूरा खाली होना चाहिए, कुछ भी नहीं। भले ही मैं बाहर हूं, वहां पर हूं और घर में मेरा आग लग गया, फिर भी मैं उधर मेरा मन रहना चाहिए, तो मैं वो अति पवित्र स्थान में हूं। वहां पर ही परमेश्वर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो वो उस पे मैं बाद में सिखाऊंगा कि सीक्रेट प्लेस को, उस पर्वत के चोटी को एक्सेस कैसा करना है, परंतु ये सब बातें आपको, मुझे लगता है, ठीक से समझा देगी। ओके, तो ये चार चीजें वहां पर, पहले क्या है, वो धूपदानी है, उसके बाद क्या है, वो माना है, उसके बाद लाठी है, और उसके बाद जो है वो वाचा की पट्टियां है। तो ये सारे चीजें, ये वचन, ये रेवलेशन, ये सामर्थ प्रार्थना में, और ये अधिकार राज्यों के ऊपर रूल करने का, ये अंतिम समय के कलीसिया के पास होगा, अंतिम समय के कलीसिया के पास, ओके, होगा। ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे। माइका का किताब 4 अध्याय, माइका
हालेलुया। माइका का किताब चौथा अध्याय में हम लोग थे। ओके, तो मैंने कहा पहला वचन एक्सप्लेन हो गया, अभी आप लोग समझ रहे हैं पहले वचन को, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और इंग्लिश में लिखा है मतलब पहाड़ के चोटी पे रहेगा वो। ओके, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हम लोग ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग वर्ल्ड के पैटर्न के फ्लो के अगेंस्ट होते हैं, और वैसे कलीसिया को हम लोग बनाएंगे, वैसे कलीसिया को परमेश्वर बनाएगा। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि वो सभी पहाड़ियों से अधिक ऊंचा होगा, मतलब ये कलीसिया का जो स्पिरिचुअल स्टैचर है सभी दूसरे पहाड़ियों से अधिक। पहाड़ यहाँ पर प्रिंसिपैलिटी मतलब आत्मिक प्रधान को दर्शाता है। हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक शहर और हर एक विलेज के ऊपर कुछ चीज रूल करते हैं, कुछ चीज जो है रूल करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आत्मिक प्रधान, प्रिंसिपैलिटीज। डैनियल के समय में उस प्रिंसिपैलिटीज को आप देखोगे, डैनियल जब भी प्रार्थना करता था लड़ाई होती थी। कौन लड़ाई करता था, कौन विरुद्ध आता था? स्वर्गदूतों के प्रिंस ऑफ पर्शिया, पर्शिया का आत्मिक प्रधान। तो ये कलीसिया जो है बाकी सभी राज्य के आत्मिक प्रधानों से इसका स्पिरिचुअल अधिकार, इसका आत्मिक अधिकार उनके अधिकार से ऊपर होगा। सभी पहाड़ों से ऊपर ये पर्वत होगा, ये घर होगा, ये भवन होगा। तो ये कलीसिया जो है यीशु का उद्देश्य, जो जिस वजह से यीशु आया, एक प्रार्थना का मॉडल उसने इंट्रोड्यूस किया। उस प्रार्थना के मॉडल में पहला विनंती ये था कि ऐसा प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपका राज्य आए जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। उस प्रार्थना का उद्देश्य पूरा करने वाले लोग इन लोग बनेंगे, कि इन लोग परमेश्वर का राज्य लेके आएंगे। हालेलुया। परंतु शैतान लगा हुआ है बहुत सारे चीजें लेके आने के लिए, और इसी कलीसिया के विजन को, बाइबल के विजन को बंद करने के लिए लोगों के दिमाग में, कि नहीं 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 अभी सब तहस नहस होगा, दुनिया खत्म होगा, कुछ बचा नहीं है यीशु के आने के लिए। रुको, क्या यीशु के आने के लिए रुको? यीशु जब भी कभी आएगा, जब भी उसके लिए रास्ता बनाया जाएगा। उसके लिए रास्ता कौन बनाएगा? यूहन्ना बनाएगा, इलाइजा बनाएगा, ये सेवकाई करके बनाएगा रास्ता। क्या यीशु आने से पहले दुनिया को देखना नहीं है वो कौन है? कि ऐसा ही यीशु आएगा तो आपके द्वारा वो दिखाएगा दुनिया को कि वो कौन है, यीशु कौन है। ऐसा ही आ जाएगा यीशु? यीशु आने के लिए सब खत्म हो गया? क्या बकवास। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो ये कलीसिया बहुत सामर्थ्य कलीसिया होगी। साधारण लोग आपको दिखेगा, अरे बाप रे बाप, ये बोलते, इसके बोलने से क्या हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया। इसके लिए मैं पहले से बोलता था सब चीजों का नींव मध्यस्थी की सेवकाई है, वहां से सब नींव डाला। ये अंतिम समय की सेवकाई ऐसे ही है। ये अंतिम समय के कलीसिया में जो है नरम दिल वाले नहीं रह सकते। आपको आपके दिल को शेर के दिल की तरह सख्त होना पड़ेगा। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं अरे वो ऐसा हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करो, नहीं 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 उनको कुछ होना, आपको परमेश्वर की तरह सोचना जरूरी है। अगर आपके अंदर इमोशंस है, आपके अंदर फ्लैश है, आप नहीं कर सकते इस बात को, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अटैच्ड है, ओ मेरी मम्मी, मेरा पप्पा, मेरा बीवी, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, ये सब चीज़ें आप बोलते हैं तो आप नहीं बन सकते। आपको पूरी तरीके से डिटैच होना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? ये सख्त दिल वालों के लिए ये सेवकाई परमेश्वर वहां से शुरू करेगा। ओके, आगे जाएंगे तो दूसरा वचन क्या कहता है? और बहुत सी जातियों के लोग और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पतों पर चलेंगे। तो ये जो ऊपर कलीसिया है, ये एक स्कूल भी होगा जो परमेश्वर के रास्तों को सिखाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा लोगों को। तो इसके लिए लोग वहां पर जाएंगे, चलो वहां पर सीख मिलेंगे, वहां पर सिखाया जाएगा। हालेलुया। क्या मैंने आपको एक वो गवाही बोली है? मुझे 2018 में एक पास्टर थे दिल्ली में, उन्होंने मेरे पे भविष्यवाणी कर रहे थे। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर हिंदी कोई ट्रांसलेट कर रहा था, वो मलयालम में बोल रहे थे और बहुत सारे चीज़ें बोल रहे थे, मिराकल मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री। और फिर उन्होंने बोला कि तेरा सेवकाई जो है एक पहाड़ के चोटी पे एक बाइबल कॉलेज से शुरू होगा,
ऐसा उन्होंने बोला, तब से तेरा सेवकाई शुरू होगा। तो तभी मैं सोचने लगा किसका, क्योंकि मैं पहाड़ों को देखता था स्वप्न में, मैं सोचने लगा हिमाचल प्रदेश क्या, नेपाल सोचता था, पर कुछ रिलेट नहीं होता था वो प्रोफेसी से। तो सोच सोच के प्रार्थना कर करके जब भी उसका रेवलेशन नहीं मिला, मैं छोड़ दिया उसको बाजू में। और गए कुछ 2 महीने पहले, जब भी मैं रूम के अंदर था और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं होटल रूम में गया 3 दिनों के लिए। पहला दिन मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करते रहा, रुका रहा। दूसरा दिन दोपहर के वक्त परमेश्वर मेरे रूम में आया और परमेश्वर आके मुझसे कहता है कि राहुल, तुझे वो भविष्यवाणी याद है? अभी कौन सी भविष्यवाणी, किस इतने सारे भविष्यवाणी, कौन सी तो पवित्र आत्मा मेरे बाजू में आया और पवित्र आत्मा मुझे बोलने लगा। क्योंकि जब भी मैंने आपको कहा था, परमेश्वर जब भी आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा आपको चाहिए साथ में। वो बातें आपको समझ में नहीं आएगी, उसके बातें नहीं समझती आपको। जब भी वो आता है, वो आपका मन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता उसके बातें, वो इस तरीके से बात करता है। तो पवित्र आत्मा मेरे बाजू में आया, वो मुझे बोलने लगा कि वो दिल्ली वाला पास्टर जो तुझे बोला। और जैसे ही पवित्र आत्मा ने बोला, मेरे मन में वो थॉट फ्लैश किया कि परमेश्वर इस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा है। वो पर्वत के ऊपर मैं भूल चुका था और पवित्र आत्मा आके वो मन में मुझे डाला वो भविष्यवाणी। और फिर जब भी मुझे याद आया, मैंने बोला हाँ प्रभु, मुझे याद आया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मुझे कहा, जो तू कर रहा है वो वही सेवकाई तू शुरुआत कर रहा है, हालेलुया। तू पर्वत के ऊपर तू लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, हालेलुया। और तभी मुझे समझ में आया कि ये पर्वत जो वो बोल रहा था, उसे भी नहीं पता होगा वो एक स्पिरिचुअल माउंटेन था, वो एक होली प्लेस था, वो एक एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री था, जहां पर मैं लोगों को ट्रेन करूंगा और लोग जाएंगे और राज्य को ये करेंगे। तो वही चीज मेरे को याद आया। और तभी पर देखिए, आपको अगर आपको डायरेक्ट आप अगर 6 महीने हो गए, 6 महीने परमेश्वर को आपने देखा नहीं, वो आके आपके रूम में नहीं आया, तो 6 महीनों में ही आप अपना मिनिस्ट्री लूज कर सकते हैं, दूसरे एक रास्ते पे आप चले जाएंगे। रेगुलरली उसके साथ मुलाकात करना जरूरी है, जिनके ऊपर सेवकाई है, जिनके ऊपर अनॉइंटिंग है। और कैसे मुलाकात करें, सब कुछ छोड़ दो, फोन छोड़ दो, जाओ एक होटल रूम बुक करो, उसके अंदर जाओ 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, फोन मत उठाना। कोई भी कॉल करे, फोन रखो ही मत साथ में, फोन रखो ही, चाहे घर में आग लग जाए परमेश्वर संभालेगा, पर आप इधर मत देखो, आप उधर देखो, वैसे आप परमेश्वर को आप डायरेक्शन दे, नहीं तो डायरेक्शन लेस है हमारा लाइफ, हालेलुया। मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे डायरेक्शन देना, जब शुरू हुआ मुझे पता चला मुझे वो जगह पे बार बार जाना होगा, नहीं तो मैं मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्शन लूज कर दूंगा, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओ लॉर्ड, हालेलुया। तो उस पर्वत के ऊपर सिखाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा? परमेश्वर के मार्ग को उन लोग सिखाएंगे पतों पर। तो वो एक 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 स्कूल ऑफ द स्पिरिट जैसा होगा उस पर्वत पर, वो कलीसिया लोगों को ट्रेन करेगा, ओके? क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। सियोन दाऊद का ऑपरेशंस था, जिधर से वो ऑपरेट करता था वो सियोन था दाऊद का, और उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। अभी मैं उसको मैं माइका चैप्टर 5 में जब भी आऊंगा तभी मैं उसके बारे में सिखाऊंगा। सियोन जो है वो और एक नाम है अंतिम कलीसिया का, सियोन। और सियोन जो है वो जूडा का घर है, जूडा के घर के अंदर वो सियोन का शुरुआत दाऊद ने किया था, वो पर्वत से दाऊद का ऑपरेशन। और दाऊद वो राजा था जिसके अंदर सभी राज्य झुकने लगे थे, उसका मिनिस्ट्री के अंदर, दाऊद के मिनिस्ट्री के अंदर सभी राज्य झुकने लगे थे। अगर आपको नहीं पता है, दाऊद ने भजन संहिता जब आप पढ़ते हो आपको पता चलेगा कि दाऊद अपने आप को अलग करके परमेश्वर के पास बहुत टाइम रहता था, वैसे ही उसने भजन संहिता लिखा। वो एक प्रॉफिट नहीं था, फिर भी प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग में ऑपरेट किया और उसने लिखा, द लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड दैट आई विल मेक योर एनिमीज योर फुटस्टूल, सिट एट माय राइट हैंड एंड आई विल। तो वो यीशु मसीह के बारे में था, तो उसने एक्सेस किया परमेश्वर के मिस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि वो वहां पर जाना जानता था। इसके लिए, क्योंकि वो वहां पर जाना जानता था, इसके लिए जब भी उसने व्यभिचार किया वो बच गया, क्योंकि वहां पर जाना वो जानता था, सॉल वहां पर जाना नहीं जानता था, इसके लिए वो तबाह हो गया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो कहां पर मैं था? ओके, तो सियोन में मैं था। तो सियोन के बारे में वो एक अलग सर्मन है,
उसके वो समय लगेगा, वो मैं बाद में लूंगा। ओके, अभी तीसरा वचन में हम लोग जाएंगे। वह बहुत से देशों के लोगों को का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब तक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। ध्यान से सुने, अभी ये ऐसा, ये जब भी बाइबल कॉमेंटेटर्स इंटरप्रेट करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखा है, ही शल जज बिटवीन द नेशंस एंड रिब्यूक स्ट्रॉन्ग नेशंस अफार ऑफ एंड दे विल बीट देयर स्वॉर्ड्स, जो तलवार है वो प्लोशर्स बना देंगे, मतलब हल बना देंगे वो लोग अपना तलवार, और जो स्पीयर्स है, स्पीयर से जो लड़ते हैं, भाले से लड़ते हैं, वो प्रूनिंग हुक्स, वही एग्रीकल्चर का सामान उनको बना देंगे बीट करके। ओके, नेशन शल नॉट लिफ्ट अप स्वॉर्ड अगेंस्ट नेशन, नीदर शल दे लर्न वॉर, मतलब एक दूसरे के साथ वो लोग युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, लड़ना बंद कर देंगे। तो बाइबल कॉमेंटेटर्स उसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि ये परमेश्वर जो है शांति लेके आएगा। ध्यान से सुने, ये उसका मतलब वो नहीं है। मैं आपको रेवलेशन ये पढ़ के भी ऐसा लगता है परमेश्वर शांति लेके आएगा और सभी राज्य एक साथ अच्छे से मिलके रहेंगे, नहीं वैसा नहीं है। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। इसका पहला, वापस से पढ़ते हैं तीसरा वचन, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़े को मिटाएगा। उसका मतलब है बहुत से देश, परंतु सब देश नहीं, बहुत से देश, मतलब ये जो कलीसिया है वो बहुत से राज्यों के लोगों तक इनका वचन पहुंचेगा, इनका मिनिस्ट्री पहुंचेगा, ये कलीसिया का। ध्यान से सुने, मेरे साथ रहे। और ये लोग जो है, ये लोग क्या करना बंद करेंगे? झगड़ा करना बंद करेंगे। सभी लोग बोले, झगड़ा करना बंद करेंगे। झगड़ा करना कैसे बंद करेंगे? अपने तलवार को उन लोग हल बना देंगे। ओके, और अपना जो भाला है उसको भी वो एग्रीकल्चर का सामान, हुक बना देंगे जिससे हार्वेस्टिंग करते हैं। उसका मतलब ये है, ये लोग जो शारीरिक स्तर में झगड़ा करते थे, शारीरिक रूप से रहते थे, जब भी ये कलीसिया का मिनिस्ट्री वो लोगों तक पहुंचेगा, वो कलीसिया के सेवकाई के द्वारा वो लोग शारीरिक रूप से झगड़ा करना बंद कर देंगे और आत्मिक रूप से उन लोग हार्वेस्टिंग चालू करेंगे, एग्रीकल्चर का काम। हार्वेस्टिंग मतलब, ध्यान से सुने, हार्वेस्टिंग मतलब ये है, जब भी यीशु हार्वेस्टिंग का बात करता था, वो अपने पिता के बिजनेस के बारे में बात करता था। वो हमेशा बोला उसने कि फल पिक गए, क्या बोलते हैं, क्रॉप्स, खेत पिक गए परंतु मजदूर कम है। जब भी उसको उदाहरण देना था, वो माली और बगान का उदाहरण देता था, खेत का उदाहरण देता था, मतलब परमेश्वर के आत्मा के स्तर में बगान, खेत, हार्वेस्टिंग, ये सब का मतलब है परमेश्वर का बिजनेस। मतलब ये अपना शारीरिक, ये कलीसिया जो है, इन अदर वर्ड्स, ये मैच्योर्ड इवेंजलिस्ट को जन्म देंगे जो पूरे दुनिया में जाएंगे और हार्वेस्टिंग करेंगे। अगर वो लोग दारू पीते थे, अगर वो लोग क्रिश्चियंस थे, मसीह थे, और हमेशा झगड़ा करते रहते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, तो ये इनकी सेवकाई उनको ऐसा बदल देगी कि अपना सारा लड़ाई छोड़ के उन लोग खेत को, उन लोग ग्राउंड को खड्डा खोदेंगे, खड्डा खोदेंगे ताकि बीज बो सके, बीज बो सके, बीज बो सके। तो ये कलीसिया जो है, ये कह रहा है परमेश्वर कि इवेंजलिस्ट को जन्म देगा, हालेलुया, और बहुत सारे इवेंजलिस्ट निकलेंगे। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? और इसके लिए देखिए, आपको याद है इंग्लिश में लिखा है कि ही विल कम एंड ही विल नॉट ब्रेक अ ब्रूज रीड एंड नॉर, यू नो, मतलब उसका मतलब यीशु आएगा, यशाया भविष्यवाणी करता है, और वो लड़ाई नहीं करेगा, ना ही पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लेके आएगा। हालेलुया, मतलब ये इसका कंटेक्स्ट वही है कि इन लोग जाएंगे और यीशु की तरह उन लोग किसी लड़ाई नहीं करेंगे, इन लोग हार्वेस्टिंग का, बीज बोने का काम करेंगे, बीज बोने का काम करेंगे राज्य राज्य में, हालेलुया। और जो है इन लोग कुछ राज्यों को, सभी राज्यों को नहीं, कुछ राज्य शैतान के अंदर ही रहेंगे, परंतु कुछ राज्यों को, कुछ लोगों के राज्य के लोगों को उन लोग अब इस कवरिंग के अंदर लेके आएंगे। तो इनके शिक्षा से, जो इनका शिक्षा निकलता है परमेश्वर के बारे में, वो इवेंजलिस्ट को जन्म देंगे, और वो इवेंजलिस्ट जो है तलवार छोड़ देंगे, भाला छोड़ देंगे, और उन लोग एग्रीकल्चर का काम करेंगे, उन लोग खेती का काम करेंगे। ओके, उसके बाद चौथा वचन,
चौथा वचन लिखा है, और लोग आगे को युद्ध विगा न सीखेंगे, परंतु वे, अभी ध्यान से सुने, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा, सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। ध्यान से सुने, अभी इनके इवेंजलिज्म के बाद क्या हुआ, लोग क्या करना शुरू किया, लोग शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई छोड़ दिया उन्होंने, और क्या कर रहे हैं, उनके दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मतलब क्या उसका, उनके दाखलता और अंजीर के वृक्ष के क्या नीचे उनके दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठे हैं उन लोग, किधर गया वो जी, ओके या बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। क्या कर रहे हैं वृक्ष के नीचे बैठ के, क्या करेंगे, मतलब ये इवेंजलिस्ट जो है, इनका सेवकाई जो है, जो शुरुआत हो रहा है वो पर्वत के कलीसिया से। अभी पर्वत की कलीसिया वो कलीसिया है जो अपोस्टोलिक और प्रोफेटिक फाउंडेशन से ले किया गया है, उसके द्वारा जो पास्टर कह रहे थे पांच पिलर्स, इवेंजलिस्ट निकलेंगे, पास्टर्स निकलेंगे, और उन लोग हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, और इनकी सेवकाई ऐसे लोगों को जन्म देगी जो अपने वृक्ष के नीचे बैठने वाले लोग हैं। वृक्ष के नीचे बैठने वाले लोग मतलब वो जानेंगे कि अब इंटरसेशन, मध्यस्थी और प्रार्थना से अपना स्पिरिचुअल कवरिंग कैसे एस्टैब्लिश करना है और उसके अंदर कैसे सुरक्षित बैठना है। क्या आपको याद है जब इलाइजा जंगल में भाग रहा था, उसने सेवक को बिरशीबा में छोड़ दिया, जब जेजिबल का स्पेल उसके पीछे पड़ा था वो, और एक वो ब्रूम ट्री, जूनिपर ट्री के नीचे पहुंचा, वहां पर वो रुक गया और उसके नीचे बैठ गया। उसके नीचे बैठ गया मतलब वो स्पिरिचुअल कवरिंग दर्शाता है जो एक इंसान का प्रार्थना का जीवन प्रोड्यूस करता है। तो ये इवेंजलिस्ट के सेवकाई से हैंडीकैप क्रिश्चियन नहीं प्रोड्यूस होंगे। जैसे आज के बोलते हैं आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, ये प्रोफेसी में करता हूँ, वो प्रोफेसी में करता हूँ, वगैरह वगैरह, और इन लोगों को वचन ही नहीं पता, इन लोगों को पता ही नहीं अपने लिए प्रार्थना कैसे करना है, गढ़ों के साथ कैसे लड़ना है, एंसेस्ट्रल लाइन के साथ कैसे लड़ना है। हालेलुया। परंतु इन लोग, क्योंकि इन लोग वो माउंटेन से ट्रेंड है, तो इन लोग लोगों को सिखाएंगे इवेंजलिज्म। इवेंजलिस्ट लोग जाके लोगों को प्रचार करेंगे सुसमाचार, राज्यों का सुसमाचार का प्रचार करेंगे, और जब ही जो लोग ये वचन को सुनेंगे वो लोग जानेंगे कि अपना स्पिरिचुअल कवरिंग कैसे एस्टैब्लिश करना है। हालेलुया। एक व्यक्ति होना चाहिए एक परिवार में जो जाने कि स्पिरिचुअल कवरिंग कैसे एस्टैब्लिश करना है ताकि शैतान अंदर ना घुस सके। हालेलुया। तो आप लोग समझ रहे हैं ये वचन का मतलब, ओके? ये बाइबल कमेंट्री में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। ये अंतिम समय का कलीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, वो कैसा ऑपरेट करेगा इस दुनिया में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, और कोई उनको न डराएगा क्योंकि उनके ऊपर कवरिंग है, वहां पर वो सिक्योर है, सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। पांचवा वचन, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर का यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। मतलब ये जो नए क्रिश्चियंस बनेंगे, ये जो नए मसीह लोग बनेंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो दूसरे परमेश्वर का नाम भी नहीं लेंगे मुंह से, उन लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। वैसे क्रिश्चियंस जन्म होंगे, वैसे ब्रीड जन्म होंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। कितने लोग को याद है वो वचन जो मजदूर जो आखिर में आए उनको भी वही पगार मिला, ये आखिर के मजदूर हो गए। हालेलुया। उनको भी वही पगार मिलेगा। क्यों परमेश्वर इनजस्टिस नहीं करता? क्यों वही पगार मिलेगा? क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल पूरी तरीके से परमेश्वर को फॉलो किया। हालेलुया। और जो लोग पहले से करते थे उनको भी एक ही सिक्का मिला, क्योंकि उन लोग ऊपर नीचे थे। ओके ओके, हालेलुया। आगे जाएंगे हम लोग, किधर है हम लोग, ओके, सिक्स में, छठवा वचन, यहोवा की यह वाणी है। अभी तक आपको समझा सब लोग को? तो पहला क्या है? पहला तो पर्वत पे एक कलीसिया, एक ग्रुप बनेगा। हालेलुया। एक ग्रुप बनेगा जो अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स का होगा, उसमें सब प्रॉफिटिक और अपोस्टोलिक गिफ्ट्स में ऑपरेट करेगा, और वो अपोस्टोलिक चर्च जो है वहां पर लोग जो दुनिया के बहाव के विरुद्ध बहते हैं वहां पर बहना शुरू हो जाएंगे, और उनको वो लोग ट्रेन करेंगे, वहां पर सिखाया जाएगा। परमेश्वर ऐसे अपोस्टल्स को जन्म देगा जो उसके रेवलेशंस को सिखाए, जो अंतिम समय के प्रोफेटिक वॉइस को लेके आए। परमेश्वर ने मुझे कहा तुझे राहुल मैं राज्यों के लिए प्रोफेटिक वॉइस बनाऊंगा,
तो ऐसे प्रॉफिटिक मेरे जैसे और भी लोग आएंगे जो अपना जीवन बेचना जानते हैं, वैसे लोग लोगों को सिखाएंगे सिखाएंगे सिखाएंगे, और सीख के उन लोग इवेंजलिस्ट की तरह उस खेत में काम करने जाएंगे, और उन लोग ऐसे ऐसे मसीहों को जन्म देंगे जो मसीह प्रार्थना जानते हैं, इंटरसेशन जानते हैं। हालेलुया। जो लोग पहले ही कक्षा में जिनको 10वीं का पाठ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनका उनका स्टैचर बड़ा होगा और उन लोग कवरिंग एस्टैब्लिश करना जानेंगे। तो ये प्रॉफिटिक लाइन है, ऐसे प्रॉफिटिक टाइमलाइन है कलीसिया का, एंड टाइम चर्च का। ऐसे चीजें होंगे यीशु के आने से पहले, मैं ये कह रहा हूं। ओके, हालेलुया। छठवां वचन, यहोवा की यह वाणी है, उस समय में प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैं दुख दिया है उन सबको इकट्ठा करूंगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो भूले भटके लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, वैसे लोग मसीह में आएंगे, वगैरह वगैरह। हे एदेर के गुम्मट, हे सियोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। ओके, हालेलुया। अब तू क्यों चिल्लाती है? अभी अभी ट्रांजिशन हो रहा है किसी चीज में, अभी ये जो कलीसिया है पर्वत के ऊपर उसको सताया जाएगा। ओके, अब तू क्यों चिल्लाती है? कौन चिल्ला रही है? वो औरत, वो कलीसिया जो पर्वत के ऊपर है, जिसने ये सब काम किया है, वो चिल्ला रही है। क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जचा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सियोन की बेटी, जचा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। ये कलीसिया को परमेश्वर जो है, हालेलुया, वो अभी अभी कौन है? ये एक स्त्री है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का मैंने बोला था, वो स्त्री जिसका के ऊपर मुकुट है और मुकुट पे 12 तारे हैं, जो 12 अपोस्टल्स है, एपोस्टोलिक अथॉरिटी है, वो स्त्री, वो कलीसिया, वो कलीसिया के विरुद्ध, वो कलीसिया जो है वो नीचे आएगी। हालेलुया। और परमेश्वर उसको बेबीलोन एक 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 नेशन है, वो नेशन क्या है मैं नहीं बताऊंगा, परंतु वो एक नेशन है। हालेलुया। और उस जगह पर परमेश्वर उसको लेके जाएगा, और वहां पर बेबीलोन में जो बेबीलोन जो है वो स्त्री है, और बेबीलोन किसके, वो स्त्री किसके ऊपर बैठी है? ड्रैगन के ऊपर, सांप के ऊपर बैठी है। ओके, और वहीं पर सांप जो है स्त्री के विरुद्ध आएगा। ओके, और स्त्री को सताना शुरू करेगा, स्त्री को मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में। परंतु प्रार्थना के वजह से, और स्त्री जो है यीशु के विजडम को जन्म देगी, उसके द्वारा स्त्री जो एग्जाम्पल बनेगी, और उसके प्रार्थना के वजह से क्या होगा कि माइकल और उसके स्वर्गदूत उस सर्प के खिलाफ भेजे जाएंगे, वही पुराना सर्प जो अब ड्रैगन बन चुका है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ, वो आत्मिक स्तर में उन शक्तियों के खिलाफ भेजे जाएंगे, और स्त्री जो है भागकर जो है किसी जगह पे छुप जाएगी। हालेलुया। ये उस बारे में कहता है, ये एक प्रोफेटिक टाइमलाइन है कलीसिया के साथ क्या होने वाला है, एंड टाइम चर्च के साथ। और परमेश्वर यो कहता है कि वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। तो हमेशा के लिए माइकल और उसके स्वर्गदूत जो है वो शैतान को नीचे गिरा देंगे, फिर से शैतान ऊपर उठ नहीं पाएगा, मतलब आत्मा के स्तर से वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अभी उसका जो स्तर है वो सिर्फ पृथ्वी का स्तर होगा। इसके लिए बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में कि वो वापस जाकर परमेश्वर के सामने उसका परमेश्वर के लोगों पर आरोप नहीं लगा पाएगा, एक्यूजेशन नहीं लगा पाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। उसके बाद पढ़ते हैं, अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर तेरे विषय में कहेंगे, सियोन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारे। मतलब राज्य राज्य के लोग जो उस सर्प के अंदर है, उन लोग इस कलीसिया को अपवित्र करने की कोशिश करेंगे। जैसे नबुकदनज़ार ने, बेबीलोन का राजा, उसने शद्रक मेशक और अबेदनगो को अपवित्र बनाने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा हम मर भी जाएंगे परंतु हम नहीं झुकेंगे। ओके, इसी समय में वो मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा और इन लोग नहीं झुकेंगे, ये कलीसिया के लोग।
तो अपवित्र बनाने की कोशिश की जाएगी, पर इन लोग नहीं झुकेंगे। राज्य राज्य के लोग इकट्ठा होंगे, क्यों? अपवित्र बनाने के लिए। पर ये सियोन का पर्वत का कलीसिया अपवित्र नहीं होगा, बाइबल कहता है। समझ रहे आप लोग? ओके। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते। कौन लोग? ये राज्य जो विरुद्ध आ रहे हैं, वो यहोवा की युक्तियों को नहीं जानते, उसके कल्पनाओं को नहीं समझते वो लोग, कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सियोन, उठ और डावनी कर, मैं तेरे सिंगों के को लोहो के और तेरे खूरों को की पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। परमेश्वर उस समय पे क्या करेगा? परमेश्वर उस कलीसिया के सींगों को लोहे का बना देगा, और उस कलीसिया के खूरों को पीतल का बना देगा, कि वो कलीसिया जहां कहीं भी अपना सर लेके जाएगी, उन राज्य को तबाह कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी, और उनका धन और शैतान के पास जितने भी अधिकार है, शैतान के पास जितने भी धन संपत्ति है, उनको वो लेगी और परमेश्वर को अर्पण कर देगी। तो ये है अंतिम समय के कलीसिया का प्रोफेटिक टाइमलाइन। और परमेश्वर माइका चैप्टर 4 के हिसाब से वो भविष्यवाणी को मैंने आपको सिखाया, अनवेल किया, और इस हिसाब से दुनिया में चीजें होना शुरू होंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग प्रार्थना कर